हाय फ्रेंड्स, मैं सुरभि आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर डिलीशियस किचन बाय सुरभि पे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई के फोक से, जो ये मलाई का मावा बच जाता है। मलाई मैंने घी निकाल लिया है, आप देख सकते हैं ये मैंने कितना सारा घी निकाला है और इसी से ये मलाई का फोक निकला है। तो मैं इसके बर्फी बना लेती हूँ। इसके ही बराबर एक बाउल मैंने मूँगफली के दाने ले लिए हैं, थोड़ा सा पानी है 2 कप, ये इसके बराबर, ये 2 बाउल छोटे छोटे शक्कर है और ये कुछ गोंद है जिसे हम सेकेंगे। तो मैं पहले सबसे पहले ये बनने के लिए रख देती हूँ चाशनी। उसके लिए मैंने डाला है 1 कप पानी, और 2 कप शक्कर, ये आप देख सकते हैं कि मैंने 1 कप पानी और 2 कप शक्कर डाल दिए। इसकी मुझे 2 तार की चाशनी कम से कम बनानी है। तो गाइस, ये मैं देखिए गोंद सेक रही हूँ, ये मावा मेरा यहाँ रखा हुआ है और ये मैं गोंद सेक रही हूँ करीब 2 टेबल स्पून के करीब। तो ये घी में मैंने गोंद डाल दी है और इसे अच्छे से सेकना है थोड़ी देर तक, ये अंदर से भी भुन जाए अच्छे से, तो ब्राउन होने तक इसे सेकें। जल्दबाजी ना करें नहीं तो इसमें अंदर दाना रह जाता है, तो ब्राउन होने तक इसे अच्छे से भूनें। ये देखें आप कैसे भून रहे हो। अच्छे से फूल के ऊपर आ गई है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। थोड़ी देर तक भूनने से फायदा ये है कि इसके अंदर रवा नहीं रह जाता, नहीं तो वो के जब मुंह में आता है तो बहुत गंदा लगता है। वही ये लगभग हो गई है तो मैं इसे निकाल रही हूँ। गैस देखिए, मैंने बहुत अच्छे से भून ली है, अच्छे से डीप फ्राई कर ली है और अब इसमें जो मैंने इसका सारा घी निकाल दिया है, बाकी का जो कढ़ाई में लगा है उसमें मैं अपने ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा चला लूंगी तो ये क्रंची हो जाएंगे। तो इसमें ये बादाम है, पिस्ता है और ये है पोस्त के दाने। पोस्त के दाने इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, कई लोग इसे पोस्तू बोलते हैं, कोई लोग पोस्त के दाने बोलते हैं, जो भी आपकी सिटी में बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इसको पोस्त के दाने बोलते हैं। तो ये इनको थोड़ा सा मैं चला लूंगी। एक मिनट के लिए मैं इसे अल्टी पल्टी कर लूंगी और आप देखेंगे कैसे लग रही है। बस हमें ज्यादा नहीं, 1-2 मिनट के लिए ही बचे हुए घी में आगे पीछे करना है। ये मेरी लगभग 2 तार की चाशनी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। मैंने इसे बना के रख दी थी तो ये थोड़ी गाढ़ी लग रही है, मैं इसे पतली कर लूंगी। फ्रेंड्स, ये मेरे ड्राई फ्रूट्स एकदम सिक गए हैं अच्छे से। अब इसमें मैं सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मिला दूंगी। इनमें मैं सबसे पहले मिलाने जा रही हूँ मलाई से जो मैंने मावा निकाला है, उसको पूरा हम एक साथ डाल देंगे। और फिर उसके बाद ही इसमें हम गोंद डाल देंगे। गैस मेरी चालू है, हाँ, पूरी गोंद डाल देंगे जितनी हमने सेकी है। ये करीब हमने जो ली थी 100 ग्राम के करीब गोंद है और उसके साथ ही मैं इसमें मूंगफली जो मैंने पीस के रख ली है, भून के और पीस के, दरदरा मैंने इसको पीस लिया है आप देखें तो, ये मूंगफली मैंने दरदरी पीस ली है, वो भी डाल दूंगी मैं इसमें।
अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद में इसमें चाशनी मिलाऊंगी। तो आप इसे अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं ये चाशनी बनाई थी मैंने दो तार की, वो मैं इसमें डालने जा रही हूँ। तो ये देखें, थोड़ी थोड़ी अभी चार चम्मच डाल ली है मैंने। अब इसको मिला के देख लेते हैं इसकी क्या स्थिति है, उसके हिसाब से फिर हम और इसमें ऐड कर सकते हैं। जितना मीठा आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा ही मीठा हर कोई पसंद करता है, आपको जितनी चाहिए आप उतनी डाल सकते हैं। तो बर्फ़ी तो आपने बहुत खाई होंगी फ्रेंड्स, लेकिन इस टाइप की बर्फ़ी शायद ही खाई होगी जो घर के खोए से निकली हुई, और वो भी उसमें हमने ड्राई फ्रूट्स और गोंद वगैरह डाल के बनाई है। काफ़ी अच्छी है और बहुत ही अच्छी है। तो ये थोड़ा हल्का सा इसमें से घी भी निकलेगा क्योंकि मलाई में बहुत घी था, तो उसी हिसाब से मैं इसमें चाशनी डाल रही हूँ कि घी भी निकलेगा तो वो बहुत ज़्यादा फैल ना जाए। तो आप ज़रा इसका ध्यान रखते हुए आराम आराम से इसमें मिक्सिंग करें। आप देख सकते हैं गाइस, ये अच्छी तरीके से बहुत बढ़िया मिक्स हो गया है और सेमी लिक्विड फॉर्म में हो गया है, तो ये आराम से इसकी बर्फी भी जम जाएगी, हमें ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी बर्फी में। और फिर ठंडा होने के बाद इसको एक घंटा दो घंटा सेट होने के बाद ही फिर हम इसको काटेंगे। अभी हम इसे, ये मैंने ट्रे में ऑयल लगा लिया है आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी सारे को, आप देखें कि जो हम लोग मलाई, कई कई लोग बेकार फेंक देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, वो कितना लॉस होता है कि करीब करीब हमारी उस मलाई से एक किलो के करीब, सवा किलो के करीब मिठाई बन गई है, और वो भी इतनी टेस्टी कि आप देखें कि कितनी टेस्टी मलाई बनी है, बर्फी बनी है हमारी। तो अब इसको हम अच्छे से फैला देंगे। चारों कोनों में अच्छे से इसको फैला देंगे पहले और फिर दबा देंगे। अच्छे से दबा के उसे फिर हम फ्रिज में रखेंगे एक घंटे के बाद, फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। तो बहुत अच्छी इसकी बर्फी निकलेगी कट के, आप देख सकते हैं। चारों तरफ से अच्छे से दबाएं, कहीं से भी गैप ना हो, अगर आपको कहीं भी गैप लगे तो वहाँ अंगूठे की सहायता से उसको भर दें, अंगूठे की सहायता से उसको भर दें। जहाँ भी आपको लगे कि ये गैप है तो उसे अंगूठे की सहायता से चारों तरफ से अच्छे से उसको फिल कर दें। और इसी से चम्मच हम अपनी कलछी से देखें आप कितना अच्छा हो गया। तो अभी से मैं रखने जा रही हूँ फ्रिज में करीब करीब एक घंटे के लिए, फिर उसके बाद में इसकी बर्फी का। तो गाइज ये देखें, अपनी मलाई की जो फोक होता है उसकी बर्फी तैयार हो गई है। आप जानते ही हैं इसमें मैंने गोंद और ड्राई फ्रूट्स मिलाए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी मलाई की बर्फी सेट हो गई है। अब मैं इसे काट रही हूँ, पहले मैंने इसमें बर्फ लगा दिया है, अब इसे हम काट रहे हैं और धीरे धीरे चाकू उठा उठा के काटें, एकदम ना खींचें नहीं तो उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। आप चाकू उठा उठा के काटें तो अच्छा रहेगा। अगर जहाँ भी आपने जल्दबाजी की और चाकू को खींचा तो उसका शेप ख़राब हो जाएगा। तो आराम से काटें। अब देखें आपको निकाल के बताते हैं कितने अच्छे से ये सेट हो गई है।